एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन चालू हो गई है और उसके वीडियो बनाने मैंने चालू कर दिए हैं। अब आप पूछेंगे कि सर, जिनका अभी एग्जाम हुआ है और जिनका रिजल्ट आ चुका है, क्या उनको भी एग्जिट एग्जाम देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल देना होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आया 20 सितंबर को, उनके बच्चों को भी एग्जिट एग्जाम देना होगा। साथ ही साथ अभी झारखंड का भी एग्जाम खत्म हुआ है, 1921 बैच का, सेकेंड ईयर का, उनको भी देना होगा। झारखंड के 20-22 बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको भी देना होगा। 21-23 वाले बच्चे हैं उनको भी देना होगा। यहाँ तक कि आपके गुजरात के, राजस्थान के जो रिजल्ट आने वाले हैं, पंजाब के रिजल्ट आने वाले हैं, और शायद राजस्थान में रिजल्ट आ चुका है, उनको भी देना होगा। इसके अलावा एमपी के बच्चों को भी देना होगा एग्जिट एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम हुआ, अभी उसकी मार्कशीट आनी बाकी है, और अभी आपका रीवैल्यूएशन का और स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है कि जिनके 1-2 नंबर कम है वो बढ़ जाए तो वो लोग पास हो जाए। तो इसमें करते हुए वो लोग 3 महीने निकाल देंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्यों 3 महीने निकाल देंगे, क्योंकि ये सरकारी काम है, सरकारी काम बहुत ही धीरे होता है। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो आपका रिजल्ट आ गया होता और आपको एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत नहीं। लेकिन 90% स्टूडेंट जो है बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, BTUP, झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी, उसी तरह से बिहार का भी अपना अपना यूनिवर्सिटी है सरकारी, जो कि काफी लेट से एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट आने में 3 महीने से अधिक का समय लग जाता है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन मैंने चालू कर दिया है। आप उसको रोज आप देखेंगे, 3 से 4 वीडियो काफी हैं और पूरी गारंटी है पास होने की। बस रोज आपको वीडियो देखना है और रोज मेहनत करने हैं, 10 क्वेश्चन कम से कम। इतना करते हैं तो एग्जिट एग्जाम ऐसे निकल जाएगा और आप आसानी से पास हो जाओगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अभी भी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।